नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल पर। हम हाजिर हैं लेकर एक और एपिसोड 1-to-1 का। जी हाँ, और 1-to-1 में आज हमारे साथ आमने सामने मुलाकात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी छोटी बच्ची जो देखने में बच्ची है लेकिन बड़ों से भी बहुत बड़े काम कर रही हैं। छोटी दिखूं पर छोटी ना समझना, आग इरादों में लिए पानी पे चलती हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में एलिना मेहता। हेलो एलिना एंड वेलकम टू द शो 1-to-1। आपको मैं ये बता दूं कि हम यहाँ पर करेंगे आपसे सीधी सटीक और स्पष्ट बात, मतलब ये कि हम आपसे जानना चाहेंगे आपके जीवन सफर के बारे में। दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि आप एक बहुत छोटी उम्र की हैं, 12वीं कक्षा में ये पढ़ती हैं, 10वीं कक्षा तक इन्होंने यहाँ जम्मू में ही शिक्षा अर्जित की है और उसके बाद आजकल 11वीं और 12वीं की शिक्षा जयपुर से हासिल कर रही हैं। तो जयपुर में रहते हुए भी जम्मू के बच्चों के लिए इनके मन में क्या है भाव, आइए इन्हीं से जानते हैं। एलिना, हाउ डिड यू थॉट ऑफ वर्किंग फॉर द पीपल इन जम्मू एंड स्पेशली द किड्स ऑफ जम्मू? So all right, I want to start by saying that I am so happy to be here with you today. Most welcome. And it's great that I have this opportunity and this platform to carry forward what I have thought. And this all came to my head when I was teaching my driver's daughter this one day. She came up to me and she asked me. She goes like, "Didi, mera school online ho gaya hai, but mujhe internet nahi hai, phone nahi hai, main kaise padhu?" So I go up to her father. I tell her, "Why don't you send her to me? I can teach her for 1 or 2 hours a day." But after that, I realized that there are so many people in our city, so many kids who don't have this opportunity, who don't have an adult at their place who can, you know, teach them. And that is the day I realized that we need a proper source of communication and a proper channel to provide these kids with gadgets, to provide these kids with the required technology that they need. Because after COVID-19, nothing is like before. Our definition of normal has changed tremendously. So we need to shift online. And in Jammu and Kashmir, I don't want my hometown, even though I am in Jaipur, I don't want my hometown to be any, you know, like any, have any setbacks. So being inspired from that, I started this initiative with Greater Jammu. So mujhe ye idea tab aaya jab main lockdown ke time apne ghar par aayi thi Jammu mein, Jaipur se. और मेरी ड्राइवर भैया की बेटी मेरे पास आई और उसने मुझे बोला कि दीदी, मेरा स्कूल ऑनलाइन हो गया है बट मुझे पढ़ाने के लिए ना फ़ोन है, ना मेरे पास कोई अध्यापक है पढ़ाने के लिए, तो अब मैं कैसे पढ़ूँ? तो मैंने तो उसे बोल दिया कि तुम मेरे साथ पढ़ सकती हो, मैं तुम्हें पढ़ा दूँगी बिकॉज मेरे पास फ़ोन है। बट उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी सिटी में इतने सारे बच्चे हैं जिनके पास फ़ोन, लैपटॉप्स, टैबलेट्स कुछ भी नहीं है, और उन सब के लिए COVID-19 में एजुकेशन एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और वहीं से मैंने सोचा कि मैं ये इनिशिएटिव शुरू करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। एलिना, आपने कहा कि आप लॉकडाउन के दौरान क्योंकि यहाँ पर आई हुई हैं और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ में कर रही हैं, तो एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि आप खुद एक बच्ची हैं, तो एक बच्चे के कहने पर आपके जहन में ऐसी क्या एक बात आई, क्या एक स्पार्क आया जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप गैजेट्स को लेकर के इन बच्चों की हेल्प करें? जी, सो आई हैव ऑलवेज बीन समबडी हु बिलीव्स दैट द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव समबडी इज एजुकेशन। आप शिक्षा से किसी को पंख देते हैं जो आप और किसी चीज़ से नहीं दे सकते हैं। तो जब वो बच्ची मेरे पास आई, मुझे लाचार महसूस हुआ कि इतना कुछ होने के बाद भी अगर हम इन जैसे बच्चों की मदद ना कर सकें तो इतना सब होने का कोई मतलब नहीं है। और फिर वहाँ से मैंने सोचा, क्योंकि बिकॉज इन द टाइम ऑफ COVID-19 नथिंग इज़ नॉर्मल, हमारी पहले जैसी एजुकेशन अब पता नहीं कब शुरू होगी, एंड तब तक आर इंटायर वर्ल्ड इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैजेट्स लाइक लैपटॉप्स, फोन्स, टैबलेट्स, ऑल ऑफ दैट। सो फ्रॉम देयर आई रियलाइज दैट द नीड ऑफ द आवर इज नॉट टीचर्स, इट्स नॉट स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अटेंडेंस, बट इट्स गैजेट्स, इट्स द मीन्स फ्रॉम विच चिल्ड्रन विल कनेक्ट टू द टीचर। सो दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट। एंड वहीं से मैंने सोचा कि गैजेट्स बेस्ट रहेगा।
ठीक है, ये काम गैजेट्स तो बेस्ट रहेगा, लेकिन आपके पास ऐसा कौन सा जरिया होगा जिसकी वजह जहाँ से आप ये गैजेट्स अपने पास लाएंगी या इन बच्चों को दे पाएंगी? हाँ, सो अब इसके लिए हमने ये सोचा था कि हम ग्रेटर जम्मू के साथ कोलैबोरेट करेंगे और उनके साथ कोलैबोरेट करके हम एक चैनल बन जाएंगे। जी हमारा इसमें हमने बस डोनर्स से लैपटॉप्स लेने हैं पुराने और हमने अंडर प्रिविलेज बच्चों को देने तो हैं। आप एक तरह से इसको एक कैंपेन की तरह जी जी यूज जी करना जी चाहती हैं ताकि डेफिनेटली आपको डोनर्स मिले जी, जो डोनेट करें, नॉट द मनी बट बट गैजेट्स, गैजेट्स। लाइक सेकेंड हैंड गैजेट्स, वी विल रिपेयर देम आवर सेल्व्स, द तो एक्सपेंसिव। ये रिपेयरिंग जो आप कह रही हैं, ये रिपेयरिंग पार्ट जो है, हु विल केटर टू द कॉस्ट फैक्टर ऑफ दिस रिपेयरिंग? आप, ग्रेटर जम्मू या या सो वी हैव अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस विद अस। इनफैक्ट वी हैव द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर विद अस, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव अ लॉट ऑफ अदर कॉर्पोरेट्स ऑल्सो विच आर रेडी टू बेयर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू गिव अ गैजेट टू अ किड विच हैज़ नो वारंटी, और वो 3 महीने में ख़राब हो जाए। ऐसा गैजेट इनसे तो अच्छा है कि आप उसको ठीक करवा के थोड़े पैसे उस पर खर्च करके दें। तो आपको नहीं लगता कि आपके पास सब जंक आ जाएगा? आप जी उसको कैसे मैनेज करेंगे? जी तो उसके लिए हमने पहले से ही 2-3 रिपेयरिंग मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग एजेंसीज के साथ टाई अप कर लिया है। दे आर रेडी टू स्पॉन्सर अस एंड दे आर रेडी टू बेयर द कॉस्ट। सो एज सून एज वी गेट द जंक वील सेंड इट, वील नॉट कीप इट विद अस फॉर लॉन्ग, वील नॉट लेट इट सिट देयर, वील सेंड इट, वील गेट द रिपेयर्ड वंस, द वंस वी कैन नॉट, दोज आर कंप्लीट लॉस, अदर देन दैट वील रिपेयर द रेस्ट ऑफ द गैजेट्स। ओके, एंड व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस? हाउ विल यू मैनेज टू सेंड दीज अक्रॉस टू द किड्स? या सो वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ हैविंग द डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद अस इज दैट फ्रॉम देयर एक्सेसिव डेटा वी कैन एलोकेट किड्स हु रियली रियली नीडेड, बिकॉज अदरवाइज वी वुड हैव नेवर गॉटन टू नो हु इज कम्प्लीटली एंड यू नो हु डिजर्व्स इट द मोस्ट, हु एक्चुअली इज अ जेन्युइन पर्सन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो फ्रॉम देयर डेटा वी विल मेक श्योर दैट वी प्रोवाइड दिस प्रिविलेज to the one who needs it the most. So do you think the Directorate of Education here is kind of a great help to you? Yeah, definitely. I recently had a meeting with her and she was so welcoming. She was extremely, extremely supportive of the idea and she would love to carry it forward. That's what I thought. So you are satisfied with their working and you are satisfied that you will reach the actual genuine person? Yeah. ठीक है, एग्जैक्ट। अलीना, आपसे मैं ये एक बात जानना चाहूंगी क्योंकि आपने 10th तक की अपनी एजुकेशन सारी यहाँ से हासिल की है, देन यू शिफ्टेड टू जयपुर फॉर योर फर्दर एजुकेशन। किस तरह का डिफरेंस आपको नजर आता है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, और दे आर सेम एट द पैरामीटर्स? जी सो मैंने 10th तक प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से CBSE की और उसके बाद मैं 11th में चली गई जयपुर जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल। और मेन डिफरेंस ये था, अगेन एवरीथिंग टुडे इज डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। देयर वी वुड यूज आर लैपटॉप्स 24/7, वी डोंट हैव द रश ऑफ यू नो मेंटेनिंग नोटबुक्स, गेटिंग नोटबुक स्टैम्प्स, बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली अ वेस्ट ऑफ टाइम। यू डोंट वॉन्ट किड्स हु आर ऑलरेडी बर्नड अप विद थिंग्स लाइक नीट एंड जी मेन्स टू मेंटेन एडिशनल थिंग्स लाइक नोटबुक्स। सो दैट वॉज वन ऑफ द मेजर चेंजेस आई ऑब्जर्व्ड। अनदर थिंग वॉज दैट आर स्कूल, माई न्यू स्कूल, इट्स ड्रिवन ऑन इनोवेशन। So kids in our school, they are making sensor motion LED lights. So when you enter a room, the lights are on. When you leave the room, they are off. So it saves electricity. So basically, our school has a more prominent motive of giving back. And that is something I think we didn't have back in Jammu. But then again, Jammu has a lot of cultural values, which I really miss in Jaipur. But yeah, if you ask me for the education, definitely Jaipur has been much better. So what about your social life over there? क्योंकि आप यहाँ की रहने वाली हैं, वहाँ जाकर social cutoff तो थोड़ा सा आपको महसूस हुआ ही होगा। तो क्या आपको कहीं लगता है कि वहाँ की cultural, because they are culturally very superior, तो उनके culture से आपको कुछ imbibement मिलती है या आप अभी भी अपने culture को ज़्यादा miss कर रही हैं? Ultimately हर संडे मेरा राजमा चावल खाने का उतना ही मन करता है जितना और किसी का करता है। बट एक बात है कि आप जहाँ पे रहते हैं आप थोड़ा सा उनकी उनके रहने का तरीका सीख जाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसे है, मेरे जितने भी जयपुर और राजस्थान के दोस्त हैं, मैं उनके साथ उनके जैसी हूँ। जब मैं इधर आती हूँ तो मैं अपने कश्मीर के दोस्तों, अपने जम्मू के दोस्तों के साथ उनकी जैसी हूँ। तो आई थिंक कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो आप बोल नहीं सकते कि कौन सा बेटर है और कौन सा कम बेटर है, क्योंकि हर जगह का अपना एक कल्चर है जी। एग्जैक्टली। लीना, आप जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं, इस क्षेत्र में बहुत सा सोशल वर्क होता है यहाँ पर, बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
who are doing tremendous job in their field. But मैंने आपसे पहले भी यही सवाल किया था, दोहरा रही हूँ इसी सवाल को कि what was that one instinct that came into your mind to take it as a campaign? क्योंकि campaign चलाना एक बहुत बड़ी बात है और आपकी एज में campaign शुरू करना, tie-ups बनाना, इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है. तो वो एक स्पार्क कब आपको लगा, जब आपके साथ उन्होंने छोटी सी बच्ची ने बात की तब, या कुछ और एडिटिव मोटिव्स आपको दिखाई दिए? तो जब मैंने एक बेसिकली मैं ग्रेटर जम्मू के लिए आर्टिकल्स लिखती थी वीकली बेसिस पर, और मैंने अपने एक्सपीरियंस पर ही एक आर्टिकल लिख के भेजा, और फिर मूर्ति अंकल ने मुझे बोला कि आप इसको एक कैंपेन का रूप क्यों नहीं देते. और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं इसको छोटे स्केल पे कैरी आउट करके 10 बच्चों की भी हेल्प कर सकूँ तो ये कितनी बड़ी बात होगी. और फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ द एडिटोरियल टीम ऑफ ग्रेटर जम्मू वी कैन अचीव ग्रेट हाइट्स, देयर इज नो लिमिट टू दैट. सो इट्स ऑलवेज बिन quality over quantity for me personally. So even if we are impacting 25 kids but they have good education for the next one academic year, we'll be more than happy. Alina, aap gadgets de rahi hain bachchon ko, online shiksha ka is samay daur chal raha hai, to is samay pe sabse zyada jo necessity of kid hai, the necessity of education hai, that is internet connectivity. Exactly. Repairing, you're taking care of. Sending, transferring the gadgets to the genuine people you are taking care of. What about the internet connectivity? क्योंकि आपको मालूम होगा जम्मू कश्मीर में अभी भी 2G services ही available है, और कुछ तो ऐसे भी areas हैं जहाँ पे internet connectivity है ही नहीं totally. तो how will you cater to the internet connectivity possibilities and to the cost factor of internet? So I am somebody who believes that we as a society would progress only when civilians come forward. Hum baith ke government pe ya NGOs pe sab kuch nahi dal sakte, because ultimately it's what you do on a more personal and a more authentic level. So I would request all these Wi-Fi agencies, all these telecommunication agencies to come forward, sponsor us, because it's the right time to use your privilege in a right way. जब तक हम अपने समाज की खुद नहीं करेंगे तब तक कोई और नहीं करेगा. बिल्कुल बिल्कुल. अलीना, आप जयपुर में जाकर अभी अपनी हायर स्टडीज कर रही हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन ले रही हैं, तो वहाँ पर क्या यहाँ की तरह ही आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पढ़नी पड़ती है? जी नहीं, वैसा नहीं है, बिकॉज मैं IB कर रही हूँ, इंटरनेशनल बैकलोरेट. सो उसमें आपको 6 सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं, 3 हायर लेवल जो आप बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, एंड 3 स्टैंडर्ड लेवल जो आप नॉर्मल सी में पढ़ते हैं. जो मेरे हायर लेवल सब्जेक्ट्स हैं वो है ग्लोबल पॉलिटिक्स, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी. और मेरे स्टैंडर्ड लेवल सब्जेक्ट्स हैं मैथ, हिंदी और इंग्लिश. तो इट्स अ फैसिनेटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, बिकॉज आप आर्ट्स के सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी पढ़ रही हैं, आप साइंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ रही हैं. तो आपको वियर्ड नहीं लगता है कि आई एम स्टडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, इतना फोकस क्यों, इतना बर्डन क्यों? सो आई थिंक बचपन से ही आई हैव बीन समबडी हु लव्स लर्निंग. आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स, आई लव टेकिंग ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड व्हेन आई गॉट टू नो दैट देयर इज अ बोर्ड इन आवर कंट्री इन विच आई कैन, आई डोंट हैव टू चूज, आई एम लिमिटलेस, आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस. इवन इफ आई हैव टू शिफ्ट सिटीज फॉर इट, आई वॉज डाउन फॉर इट. You know, so I was like, if I can have the privilege of studying medical, non-medical, humanities and arts and everything, why not? Let's do it. Yeah. So you are kind of satisfied with all what you satisfied. Are studying over there. Yeah. Alina, aap jo bhi subjects wahan par padh rahi hain, kya uske saath saath aapko wahan par kahin kabhi koi aisa mauka mila jahan par aap social work bhi kar sakein? जी. सो हमारे स्कूल का क्राइटेरिया होता है कि आपको एक साल में कुछ घंटे का सोशल वर्क करना ही करना होता है, उसके बिना आपको डिप्लोमा नहीं देते हैं. ओके. सो उस हिसाब से मैंने बहुत सारे जयपुर में NGOs के साथ काम किया है. एक हमारे स्कूल का NGO है परवा, हम बहुत सारी ड्राइव्स करते हैं, हमने पुराने कपड़े इकट्ठे करके घर घर से हमारे स्कूल के भाई जी और भैया लोगों को दी थी, और फिर उसके बाद हमने प्लांट डोनेशन ड्राइव्स किए हैं. तो वहाँ पे बहुत सारा हम करते हैं सोशल वर्क ऐसे. तो क्या कहीं ना कहीं आपको ये एक आइडिया ऑफ हेल्पिंग दी पोर किड्स वहीं से इनिशिएट हुआ? तो इनिशिएशन शायद आपको वहाँ अपने स्कूल के उस करिकुलम से मिली है. तो ये जो करिकुलम की आप डिफरेंस देखते हो यहाँ जम्मू में, जैसा आप कह रहे थे, जैसा वहाँ पर आपको जयपुर में मिल रहा है, क्या ये आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में कहीं हेल्प कर रहा है? इसने अभी तक आपको हेल्प किया है? जी डेफिनेटली. आई थिंक जब आपको ज्यादा नॉलेज होती है तब आपके अंदर वो दिखता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखती है. और जैसे मैंने बोला, एजुकेशन इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. सो
if you are educated and if you know that there's so much in the world that you know, you will, your personality will shine. And I don't want to say that my personality shines, but I'm just saying if you are somebody who's like very well-rounded, it will show. And a lot of my friends who were like 1 year or, you know, 2 years behind in me academically, I have told them, and now I think 4 of my friends have gone to Jaipur. Okay. So it's an impact. It's a big impact that I have made, not only like for myself, but for people around me. बच्चे कहीं ना कहीं 10th तक के बच्चे जो होते हैं हमारे, कोई एक हिचकिचाहट होती है उनके अंदर फैमिली को छोड़कर कहीं और जाना जी. और शायद कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये लगता है कि बच्चा भी बहुत छोटा है, अभी से कैसे इसको बाहर भेज दें. आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगी, ऐसे बच्चों को भेजना चाहिए जी. बाहर भेजकर बच्चों को, उनको बाहर जाकर हायर सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन लेने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए, क्या उनको एनकरेज करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन के साथ मेरा बहुत लव हेट रिलेशनशिप है, क्योंकि पहले 6 महीने तो मैं बहुत बुरी हालत में थी. मुझे घर आना था, मुझे घर का खाना खाना था, बहुत होमसिक फील कर रही थी मैं. बट फिर उसके बाद के जो मेरे था टाइम 1 साल जयपुर में, वैसा टाइम मेरे को नहीं लगता मेरी लाइफ में कभी ऐसा आया होगा. आप सुबह अपने 4 दोस्तों के साथ उठते हैं, उन्हीं 4 दोस्तों के साथ स्कूल जाती हैं, उन्हीं के साथ पढ़ते हैं, उन्हीं के साथ खाते हैं, उन्हीं के साथ अपने कमरे में आकर सो जाते हैं. सो आपको कभी, आपकी डिपेंडेंस नहीं रहती आपके घर पर. और अल्टीमेटली एज वी स्ट्राइव टू बी अडल्ट्स, आई हैव सीन दिस इज अ प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ यंग अडल्ट्स, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज लाइफ, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज हाउस होल्ड, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ. सो आई थिंक अगर आपने अपने बच्चे को 12th के बाद बाहर भेजना ही है, तो क्यों ना आप उनको भी 2 साल दें खुद के हिसाब से जीने में, खुद की एक पर्सनालिटी एक्सप्लोर करने के लिए, और फिर उन्हें भेजें ताकि वो भी ज्यादा, यू नो, दे आर ग्लोबल सिटीजंस, दे आर इंडिपेंडेंट. या एग्जैक्टली, एक एक्सपोजर में भेजने से पहले उनको एक छोटा एक्सपोजर दिया जाए नजदीक के इंस्टीट्यूट्स में भेजकर. ठीक अलीना, आप जो भी काम कर रही हैं, जो कैंपेन आप शुरू कर रही हैं, और जो आपकी सोच है, ये बहुत ही सकारात्मक सोच है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? सो आई थिंक माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन हैव बीन बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, बिकॉज दे हैव बीन सो रेजिलिएंट. लाइफ हैज थ्रोन सो मच एट देम, बट एवरी डे दे वेक अप and they tell me and my sister that no matter what, we are there for you and we will do like the best that we can, the best of their ability that they can to support us. And whenever I look at that, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये लोग कर सकते हैं, तो अगर मुझे एक assessment या एक test करनी है, तो वो तो कुछ भी नहीं है ना उसके सामने. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि if somebody, when you have inspiration in your life, when you have like a role model to look up to, then you try to become like them. And that has really shaped me as a person. And I think another thing is my teachers from Jaipur. In Jaipur, we practice something called positive conditioning, where even if you do like the slightest bit of like, you know, a good deed, you get a reward for it. Okay. So if I topped an exam or something like that, my teacher would make sure that she tells me. Feel you like a queen. So she tells me, you know, yeah, this is so good. You can do so much in life. So when people around you encourage you so much, you want to do more of that thing. Okay. So mera ek wo bahut encouraging factor raha hai life mein. Okay. अलीना, आपने साइंस पढ़ी है, नॉन मेडिकल भी पढ़ रही है, मेडिकल भी पढ़ रही है, ह्यूमैनिटीज भी पढ़ रही है, बिहेवियरल साइंसेस भी पढ़ रही है, तो इन सभी सब्जेक्ट्स में से विच इज द मोस्ट फैसिनेटिंग सब्जेक्ट फॉर यू? एंड आज से 10 साल के बाद अगर हम अलीना को देखें, तो वो किस एरिया में, किस पैरामीटर पे काम कर रही होंगी? मेरे को लगता है कि अभी तक आपको थोड़ा पता ही चल गया होगा जैसे मैं बात कर रही हूँ. शायद तो भी मैंने ये सवाल जी मुझे पॉलिटिकल साइंस से बहुत इंटरेस्ट रहा है हमेशा से. और मेरे स्कूल में ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि इतना इंटरेस्टिंग होता है ये देखना कि नेशंस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, नेशन नेशनल और नॉन स्टेट एक्टर्स साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, और इन सबसे जो वर्ल्ड स्टेज पर जो अक्रेंसेज होते हैं, COVID-19, यू टॉक अबाउट एनी थिंग, यू टॉक अबाउट रेसिज्म इन द US, एवरीथिंग अल्टीमेटली comes down to this one subject named political science, and I am absolutely in love with the subject. So I see myself doing that in college. After that, let's see what we do. But in college, I'm going to do political science. Okay. So your most fascinating subject in your all the subjects in your is political science. जी. अलीना, आप इतनी पॉजिटिव हैं और इतना अच्छा काम कर रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपके हर काम में आपको सफलता मिले. आप हमारे साथ स्टूडियो में आई, हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की,
और मुझे लगता है कि शायद आपको देखकर हमारे दर्शकों में बैठे हुए आपकी उम्र के जितने भी नौजवान होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और शायद कहीं ना कहीं एलिना को एक वॉलेंटियर इन्हीं दर्शकों में से मिल जाए जो आपके साथ आपके कैंपेन में जुड़ जाए और शायद कहीं ना कहीं आपकी जो एक अप्रोच टुवर्ड्स दी स्पॉन्सर्स है, टुवर्ड्स दी एजेंसीज है, शायद हमारा ये कार्यक्रम वन टू वन एक माध्यम बने आपको वैसी एक स्पॉन्सरशिप दिलाने में। वी विश यू ऑल द लक फॉर थैंक यू योर सो फ्यूचर मच. एंडेवर्स एलिना। थैंक यू सो मच फॉर इट्स बिन कमिंग। सच अ प्लेजर. आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर. थैंक यू सो मच थैंक यू एलिना। सो मच. तो ये थी हमारी युवा प्रतिभा एलिना जो सोशल वर्क करके समाज की सेवा करना चाहती हैं, लेकिन साथ ही जुड़ना चाहती हैं पॉलिटिक्स के साथ, राजनीति के साथ। ये बड़ी ही एक अहम बात है जो हम सभी को देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। और अलीना की ये एक प्रतिभा, उनका रुझान राजनीति की तरफ, पॉलिटिकल साइंस की तरफ, ये दर्शाता है कि कीचड़ को अगर साफ करना है तो कीचड़ में पांव डालना पड़ेगा। और यदि हमारे युवा इस एक सोच के साथ राजनीति में भी कदम रखेंगे तो यकीनन हमारे देश की राजनीति बहुत हद तक सुधर जाएगी, साफ हो जाएगी। अगले एपिसोड में फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, वन टू वन में एक अलग हस्ती के साथ, एक बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दिस इज विंध्या तिकु साइनिंग ऑफ।